क्या आपके भी फोन में जियो 5G इंटरनेट नहीं चल रहा है, लेकिन आपने रिचार्ज किया है फिर भी आपको जियो 5G अनलिमिटेड डाटा नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो को देख डालिए, क्योंकि मैं आपको यही इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आपको जियो में 5G अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। 3 जुलाई 2024 से जब से रिचार्ज की कीमत को बढ़ाया है, तब से जियो 5G अनलिमिटेड डाटा में नए बदलाव कर दिए है, नए एक्टिवेशन की प्रक्रिया लागू कर दिया है। जियो में 5G अनलिमिटेड डाटा चलाने के लिए सबसे पहले आप सेटिंग को ओपन करें। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नेटवर्क का, इस पे आपको क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे सिम 1 में लगा हुआ है या सिम 2 में लगा हुआ है जियो का सिम, तो यहाँ पे मेरा सिम 1 में लगा हुआ है जियो का सिम, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है, जो भी मैं आपको सेटिंग बताऊंगा वही सेटिंग आपको ऑन करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिफरेंस नेटवर्क टाइप, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 5G 4G 3G 2G यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यह सेटिंग करने के बाद इसके बाद ऑपरेटर वाले ऑप्शन पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये जो ऑटो सेलेक्ट दिख रहा है इसको एक बार ऑन करके ऑफ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद रीसेट एक्सेस पॉइंट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे रीसेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यह करने के बाद आपका जो नया VPN तैयार हो जाएगा, तो यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। फिर से आप यहाँ पे बैक आ जाएंगे। इसके बाद मोर सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद स्मार्ट 5G का ऑप्शन है, यहाँ पे इसको आप एनेबल कर देंगे। बस इतना सा सेटिंग करने के बाद आप एक बार आ जाएंगे प्ले स्टोर में, और आपको यहाँ पे सर्च कर देना है जियो। तो जैसे ही आप यहाँ पे जियो सर्च कर देंगे, तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो अगर अपडेट आया होगा तो आप अपडेट कर लेंगे, अगर अपडेट नहीं आया है तो सीधा आप ओपन कर दीजिए। जियो के होम पेज पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल 5G का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। बहुत ध्यान से इसको कीजिएगा, तभी आपको जियो में 5G अनलिमिटेड डाटा आप चला पाएंगे। इस पेज को स्क्रॉल अप कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जियो ट्रू 5G कॉन्ग्रेचुलेशन, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका सिस्टम ऑलरेडी अपडेट है तो आई हैव अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका ग्रेट यू आर 5G रेडी, तो यहाँ से आपका 5G रेडी हो चुका है। इसके बाद आपका 5G यहाँ पे रेडी हो चुका है आपके डिवाइस में चलने के लिए। अब यहाँ पे आपको जियो में 5G अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। अब यहाँ पे आपने कौन सा रिचार्ज किया है वो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो रिचार्ज वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू 5G अनलिमिटेड वाले प्लान पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं जो भी आपने रिचार्ज किया है उस प्लान में अगर 2 GB डेटा आपको मिल रहा है, तो आप जियो में 5G अनलिमिटेड डाटा को इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे जियो में 5G अनलिमिटेड डाटा मिल चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी सेटिंग करने के बाद, ये सारा एक्टिवेशन करने के बाद मुझे फाइनली यहाँ पे अनलिमिटेड 5G का ऑप्शन मिल चुका है, और हम यहाँ पे अनलिमिटेड 5G को इस्तेमाल कर पाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 2.5 GB डेली वाला प्लान है, और यहाँ पे 2.5 GB में से 1 GB यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा अनलिमिटेड 5G चल रहा है इसीलिए यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है। फिर भी किसी तरह की समस्या बनी रही, आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको वहाँ पे भी सॉल्यूशन बता दूंगा। आप चाहे तो जियो के कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हैं जियो 5G अनलिमिटेड से रिकॉर्डिंग।